चले स्टार्ट करते हैं। आप देखो फर्स्ट यहाँ पे जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ AFSPA, जिसको आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, संक्षिप्त हम इसे इस नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर यह है कि हम अभी इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो कारण सबको पता है कि नागालैंड में सुरक्षा बलों के द्वारा, जो इरादतन तो नहीं था, लेकिन वहां के जो आम नागरिक थे वो मारे गए। ठीक है, और उसके कारण जो सबसे पहली बात और जो सबसे पहले जो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा वो किस पे लगा? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पे लगा। तो इसको हम एक एक को देखते चले जाते हैं कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आखिर है क्या। तो एक तो क्लियर है यहां पर ये कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ये अधिनियम आया कब? 1958 में आया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अस्तित्व की बात करें तो हम यहां देखते हैं कि इसकी जो सबसे पहले घोषणा हुई थी वो आजादी से पहले हो चुकी थी, और वह घोषणा हुई थी ब्रिटिश शासन के समय में। ठीक, और वह घोषणा हुई थी 15 अगस्त 1942 को, किसके अंतर्गत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 72 के अंतर्गत। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनके द्वारा घोषणा की गई थी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस, ये इस रूप में घोषणा की गई थी। ठीक है, देखते जाओ एक एक चीज। मैं ये कह रहा हूं कि जिस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 की अभी हम बात कर रहे हैं, उसकी सबसे पहले घोषणा हुई थी 5 अगस्त 1942 को, और उसमें जो इसका नाम था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस था। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 उसकी धारा 72 के अंतर्गत घोषणा की गई थी, और इसका उद्देश्य था कि सशस्त्र बलों के जो उसमें कुछ अधिकारी थे उन अधिकारियों को विशेष शक्ति दी गई थी। और यह विशेष शक्ति किस इरादे से दी गई थी? तो इरादा यह था कि हमें पता है कि 1942 में क्या शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या कोई भी ऐसा क्षेत्र जो अशांत क्षेत्र था, उस अशांत क्षेत्र पर शक्ति बरतने के लिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस की घोषणा की गई थी। ठीक है, लेकिन ठीक आजादी के बाद सितंबर 11, 1958 को आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लागू किया गया। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ध्यान से सुनना। अब यहां पर जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इस कानून को सरकार ने जो अधिसूचित किया था, उसको नोटिफाइड किया था, उसका उद्देश्य यह था कि जो भी अशांत क्षेत्र है, डिस्टर्ब्ड एरिया, उस डिस्टर्ब एरिया को जो आर्म फोर्सेस हैं, जो सशस्त्र बल हैं, उनके द्वारा उसे रेगुलेट किया जाएगा, उसे अधिनियमित किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा, यह शक्ति दी गई आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के द्वारा। ठीक है, अब देखिए किस किस प्रकार की शक्तियां इनको मिली हुई है। देखिए फर्स्ट, इनको यहां तक शक्ति मिली है कि ये गोली चला सकते हैं, जो घटना हमने नागालैंड में अभी हाल के दिनों में देखी। एक दूसरी बात देखिए कि अगर सशस्त्र बल को या लगता है कि कोई व्यक्ति संदिग्ध है या कोई घर संदिग्ध है, तो बिना वारंट के, मतलब कोई वारंट नहीं लेना है, बिना वारंट के उस घर में वो प्रवेश कर सकते हैं, वहां वो सर्च ऑपरेशन वो भी कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो लगता है कि क्रिमिनल ऑफेंस में या किसी फौजदारी मामले में वह व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो उसको वह गिरफ्तार भी कर सकते हैं। इन सारे जितने भी हैं कि किसी के घर में घुसना, उनको यहाँ पे सर्च करना, व्यक्ति को गिरफ्तार करना, तो अब यहाँ पर यह है कि अगर ये जितनी भी गतिविधि अगर सशस्त्र बल के द्वारा संचालित की जाती है, ऑपरेट किया जाता है, तो उन पर इस तरह के कार्यों के लिए किसी प्रकार का कोई मुकदमा, कोई प्रोसिक्यूशन उन पर नहीं चलेगा। मतलब यहां पर यह कि उनको एक इम्यूनिटी दी जा रही है, उनको प्रतिरक्षा दी जा रही है। ठीक है, क्लियर। तो हमने दो अभी तक देखी है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत। पहला ये कि आजादी से पहले ही इसका स्वरूप मौजूद था, नंबर एक। नंबर दो, आजादी के बाद बदले हुए स्वरूप में इसको तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा लाया गया, जिसका उद्देश्य हमने यहाँ पर देख लिया कि जो भी एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है वहां पर सशस्त्र बल को आप इतनी शक्ति दे दें कि वह वहां के लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन करे।
इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन के लिए जो आर्म फोर्सेस है वो वहां पर गोली भी चला सकते हैं, वो बिना वारंट के प्रवेश भी कर सकते हैं किसी घर में, सर्च भी कर सकते हैं, गिरफ्तार भी कर सकते हैं, और उन पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलेगा। इस किसी भी प्रकार के प्रोसिक्यूशन से उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। ठीक है, आगे देखिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों पर गौर कीजिए। पहला, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर। लेकिन मणिपुर में इंफाल के अंतर्गत जो 7 असेंबली सीट है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, और फिर अरुणाचल प्रदेश का भाग। यहां तक आगे चलते हैं। अब यहां पर देखना है कि जिस आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कुछ लोग रखने की बात कर रहे हैं और कुछ उसे हटाने की बात कर रहे हैं, तो आखिर इन दोनों के पीछे की क्या अपने अपने तर्क है, जरा वो देखो। पहला, कि पक्ष में जो लोग हैं उनके तर्क देखें क्या है। उनका यह कहना है कि भारत जैसे विविध देश में अगर हम देखें तो आजादी के बाद से यहां पर विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर हम बात करें, नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो उसे समय समय पर चैलेंजेस या उसको चुनौती मिलती रही है। ठीक है, और घोषित रूप में कई क्षेत्र अशांत रहे हैं, वहां पर विद्रोही रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में जो वास्तविक रूप में अशांत क्षेत्र हैं वहां पर शांति स्थापना करने के लिए, लंबे समय तक शांति स्थापना करने के लिए, उन विद्रोही गुटों को दबाने के लिए यह जरूरी है कि जो सशस्त्र बल हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से इतनी शक्ति दी जाए। एक तो ये, दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर हम यह नहीं करते हैं तो, ध्यान रहा मैं पक्ष की बात कर रहा हूं, कि अगर हम यह नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो यहां पर यह होगा कि वहां पर नियमित रूप से हिंसा की घटनाएं होंगी, वहां पर जो हिंसा की घटनाएं होंगी वो ऑर्गेनाइज्ड रूप में होंगी, और फिर इससे यह हो सकता है कि सरकार पर वो लगातार दबाव बनाए। ठीक है, और जब सरकार पर दबाव बनाएंगे तो नैतिक, अनैतिक, ठीक है, गैर कानूनी मांगे सरकार के समक्ष रखेंगे, इससे उस क्षेत्र में प्रशासन शासन, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है, वहां चलाना मुश्किल हो जाएगा। यह है इसके पक्ष में। ठीक, अब बात करते हैं इसके विपक्ष की, वो क्या है उसे देखना ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये कि जिस आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को इस उद्देश्य के साथ लाया गया है कि अशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना की जाएगी, वहां पर यह बात भी देखी जा रही है कि यह एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में तब्दील हो गया है। वह किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? वह इंस्ट्रूमेंट है लोगों को दबाने का, ऑपरेस्ट करने का। ठीक है, और यह जो उपकरण है वह लोगों के शोषण के रूप में बदलता चला जा रहा है। एक बात, दूसरी बात कि आखिर यह शोषण के रूप में क्यों बदला है? वह इसलिए बदला है क्योंकि जो आर्म फोर्स है, जो सशस्त्र बल है, उनको अपने किसी भी कार्य के लिए आप कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है उनको पूर्ण प्रतिरक्षा या जो कंप्लीट इम्यूनिटी है वो उनको वहां पर मिली हुई है। फिर आगे क्या है कि सशस्त्र बल को या उन पर, चूंकि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है, वह न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उससे वो बाहर चले जाते हैं, तो फिर यहां पर यह भी होता है कि मानवाधिकार जैसे मुद्दे दिखते हैं, मतलब कि आम लोगों के जो उनके अपने अधिकार हैं, चाहे वो मूल अधिकार ही क्यों ना हो, ठीक है, या उनका जो जीवन है वह संकट में पड़ जाता है या पड़ सकता है। यहां पर विपक्ष की बात कर रहा हूं, और यह नहीं है कि यह महज आप ये कहें कि यह एक संभावना है, आशंका है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह देखा गया है, जैसे नागालैंड में अभी हाल की घटना हुई, एक मणिपुर वहां भी एक घटना घटी थी जिसमें कि एक महिला थी, उसको बाद में यह पाया गया, उसको उठाकर लेकर गई थी सशस्त्र बल के जवान, और बाद में देखा गया कि उसके शरीर पर गोलियों के निशान थे और वो मृत पाई गई थी। और उसी घटना के विरोध में अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, इरोम शर्मिला का, जो भूख हड़ताल पर लंबे समय तक बैठी थी। तो ये जो आशंकाएं हैं मानवाधिकार के मुद्दों से संबंधित, तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई आधार नहीं है या वो निर्मूल है, उसके अपने आधार हैं। तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, उसकी पूरी कहानी आप जान चुके, आपने यह भी जाना कि उसके पक्ष और विपक्ष के क्या-क्या आधार है। आगे देखो, यह जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, इस पर आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है, उसे देखना ध्यान से। तो अब हम यहां पर दो केस की बात कर रहे हैं। पहला, नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इसमें देखो,
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह बात कही कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की जो धारा 4A या सेक्शन 4A है, इसके अंतर्गत, ध्यान देना, इसके अंतर्गत यह बात कही गई है कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो सशस्त्र बल है, वह अपनी शक्तियों का उपयोग, ध्यान देना मैं जो दोहरा रहा हूं, अपनी शक्तियों का उपयोग एक निश्चित अवसर पर ही कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि वह किसी भी कार्य के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बात कौन कर रही है? यह बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह बात कही कि यह जो अधिकार सशस्त्र बल को आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के लिए दिया गया है, वह एक निश्चित सर्कमस्टांसेस के लिए दिया गया है, ना कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के लिए। एक तो ये, दूसरा, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही? देखो कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की धारा 6 में जो अधिकारियों को पूर्ण प्रतिरक्षा देने की बात आपकी कहते हैं, अगर उस सेक्शन पे गौर करें तो हम वहां पर यह देखते हैं कि इनको कंप्लीट इम्यूनिटी या फुल इम्यूनिटी देने की बात उसमें नहीं कही गई है। ठीक है, तो दोनों चीजें देखें कि इस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत सशस्त्र बल अपने जो उनको शक्ति दी गई है, उन शक्ति का प्रयोग वह हमेशा या हर एक घटना में नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि अगर वो कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें मान ले कि उनसे गलती होती है, तो उसके लिए उनको इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती है। यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। और 2016 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के लगातार बनाए रखने की या जो कंटिन्यूटी है उसकी भी उन्होंने निंदा की थी। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.